नमस्कार, प्रदेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। डायनासोर के अवशेष केवल फिल्मों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ सिंभावली थाने के गांव में वहां पर बंद पड़े मकान में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को जिला पशु चिकित्सालय अधिकारी ने पुष्टि की है। गंगा नदी के पास खादर क्षेत्र के इस गांव में इन अवशेषों का मिलना एक अजूबे से कम नहीं है, जिनको देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। एक्चुअली ये खादर जो है हमारा इस तरह का क्षेत्र है, यहाँ पहले भी जो जंगली जानवर है वो भी पाए गए हैं, लेपर्ड वगैरह। और मुझे जो पहली प्रथम दृष्टा में लग रहा है ये बिल्कुल डायनासोर की वो लग रही है। बाकी तो ये एक शोध का विषय है, लेबोरेटरी से ही हम इसके उसमें फाइनल जांच में पहुँच सकते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टा है उसमें बिल्कुल कहीं से चाहे वो उसके टीथ हों, इसकी बोन हो, इसकी जो भी पैर हों, हाथ हों, प्रथम दृष्टा में ये बिल्कुल डायनासोर लग रहा है। ये बड़े असंभव सी बात है, लेकिन सामने जो चीज़ है उसे नकारा नहीं जा सकता। देखो जी, इन्हें घर की सफाई कर रहे थे बच्चे, हम तो नीचे थे, ऊपर कमरे पर सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम कीला काट मची उनकी, जोर जोर से आवाज़ आई, उन्होंने आवाज़ आई, चाचा देखियो क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब हम जो पहुँचे वहाँ से भाग कर, तो देखा तो ये दोनों बराबर में ऐसे सेब के पीछे चिपके हुए थे। फिर इतने देखते देखते लोग बाग काफ़ी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में उसे देखा गया, भाई क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है। तो सब ने देखा, देखने के बाद बोले भाई डायनासोर के बच्चे लगते हैं। अच्छा, तो किस तरह का माहौल है जब से गांव में आपके घर में निकले हैं? देखो इस माहौल इस तरह का, पूरा गांव वाले इकट्ठा होकर सब देखने के लिए आए। पूरे दिन उस जमघट लगा रहा, मेला सा लगा रहा, भाई क्या चीज़ है। सब ये बताते भाई डायनासोर के बच्चे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसकी पूरी प्रतिक्रिया ये नहीं हुई कि जांच ये नहीं हुई क्या चीज़ है। तो कोई अभी तक कोई अधिकारी को सूचना दी गई इस बारे में कि इस तरीके से कुछ निकले हैं, अवशेष निकले हैं? हमने तो कोई सूचना अधिकारी को दी नहीं, ऐसे निकले हैं कोई बच्चे। आपको क्या लग रहा है देखने से? हमें तो ये लग रहा है जैसे टीवी में दिखाते हैं तो डायनासोर के बच्चे से लगते हैं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फिर से फोड़ा है अपना ट्विटर बम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निशाने पर आए हैं बर्थडे बॉय मुलायम सिंह यादव। विज ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ उन पर निशाना साधा कि वे समाजवाद पर भी निशाना साध रहे थे। विज ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद के अर्थ का अनर्थ किया है, ऐसे लोगों के मुंह से समाजवाद का नाम भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, ये बिना मतलब के अपने आप को टीचर बन रहे हैं, ठीक है। अगर सलाह देनी थी तो आप भूपिंदर सिंह हुड्डा को देते, वो तो आपकी बात मानता नहीं था, और आज आप सलाहें दे रहे हैं वो
और आपकी जो सोच थी उसको जनता ने नकार दिया हुआ है। अच्छा हो कि अब आप बैठकर देखें कि सरकारें कैसे चलती हैं और सरकार किस प्रकार से काम करती है। एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है, आपने 50 साल में नहीं किया उतना काम। तो आपको सीखना चाहिए हमारी सरकार से, आपको सलाह। और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा अपने अंबाला स्थित आवास पर पहुंची और कुछ ही देर के लिए वहां रुकी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। उन्होंने हरियाणा के मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि छापेमारी और तलाशी अभियान की जगह वो अपना काम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपेंगी। सभी पार्टियों ने बड़ा सोच समझकर और बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी तीनों ने मिलकर और बिल्कुल जैसे मन के मेल के साथ ये चुनाव लड़ा गया और लोगों ने दिखा दिया कि झूठ की हार होती है और सच की जीत होती है। जिसने वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े झूठ बोले और फिर से सोचा कि जो पहले एक बार काट की हांडी चढ़ गई वो दोबारा चढ़ जाएगी, वो लोगों ने उसी तरह से उतार दी और दिखाया कि असलियत क्या है। और गठबंधन में सभी की जीत हुई, लोगों की जीत हुई, बिहार के लोगों की जीत हुई और देश को एक नई दिशा दी। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी सब ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा और देश को दिखाया कि एक कुशल राजनीतिज्ञ की सोच में और जो ये लोग नए हैं और गलत बोल बोल कर बात करते हैं, लोगों को झुठलाते हैं, उनमें कितना फर्क है। बहुत छापेमारी भी, जेब मारी भी, कई तरह की मारियां यहाँ पर चल रही हैं। बहुत बीमारियां आ गई हैं यहाँ डेंगू के साथ साथ। तो बेहतर होगा कि लोगों के लिए कार्य करें, अधिकारियों को उनके काम करने दें, कर्मचारियों को उनके काम करने दें। हाँ, जहाँ सख्ती होती है वहाँ सख्ती बरतें, लेकिन आज के दिन कर्मचारी भी फेड अप, अधिकारी भी फेड अप, जनता तो सबसे ज्यादा फेड अप है। ये ड्रामेबाजी बंद करें तो बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है, ऊपर से नीचे तक, शीर्ष नेता से प्रधानमंत्री से लेकर नीचे इनके एमएलए मंत्री हम अपने राज्य में देखे, सिवाय ड्रामेबाजी के और कुछ नहीं है। रोज नया ड्रामा ताकि लोगों का ध्यान कहीं और चीजों में डालें, मीडिया में आ जाएं। अब सुर्खियों में आने का जरूरी नहीं है कि यही रास्ता हो, काम करके भी सुर्खियों में आए तो ज्यादा अच्छा रहे। और बटाला पुलिस की तरफ से हाईटेक लूट गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस की तरफ से गिरोह के 5 मेंबरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं 6 नौजवान भी हैं जो इस गिरोह का जुर्म की वारदात में साथ देते हैं। गिरोह की तरफ से पंजाब के अलग अलग जिलों में वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिनमें की मुख्य तौर पर निशाना था जुए के अड्डों का और वो भी इस लूट गैंग के 8 मेंबर बताए जा रहे हैं। Thank you.
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 9 ਤੇ 10 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਜੂਏ ਚੱਲਦੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,58,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੂਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਇਨ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੂਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ 2 ਕਾਰਾਂ, 1 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। 1 I-20 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ PAP ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਉੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਸ ਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 13 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ 5 ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। इराक के मोसल में आतंकियों ने 40 भारतीय नौजवानों को बंधक बनाया था और उन 40 नौजवानों में से एक नौजवान हरजीत मसीह बचकर निकला था और आज ये नौजवान मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और हरजीत मसीह ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने उसके सामने सभी 39 नौजवानों को गोली मार दी थी और आज भी हरजीत का यही कहना है कि 39 नौजवान मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार इसका खुलासा नहीं करना चाहती। ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 9-10-11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 11 ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦਮ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ 40 ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ
चलो जी मैं कहना जो सरकार कहती कि जिंदे आ तो मैं उन्होंने कोई दोषी नहीं हाँ वो मेरे भरा ने तो जे सरकार कहती जिंदे तो सरकार भी उन्होंने वापस ला दे तो मैं झूठा पै जाँ तो चलो वो अपने घर आ जाने माँ प्यो को कुछ मुड़ के ना सर मैं अंबैसी वाले लैके आए दिल्ली उस तो बाद इन्ना एक साल अपने को रखा ना मैनू तो सरकार मैं कभी कहती रही है कि तेन नौकरी देवे वो करा जे करा भी वादे किए मेरे पर कोई वादा नहीं निभाया मेरे न तो